सो हेलो भाई लोग और बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओपो स्टडीज, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रायंगल्स चैप्टर क्लास 9 ट्रायंगल्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें बताने के लिए तो इतना कुछ है कि बताते बताते जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपके दिमाग में घंटा कुछ होने वाला है, यानी आने वाला है, मतलब कुछ भी जो भी है, मतलब कि इसका जो है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। अगर आपको इसका फिगर समझ नहीं आता, इसमें ऐसा ऐसा फिगर्स है एनसीईआरटी वगैरह में, और भी आप साइड बुक्स बनाते होंगे आरएसआरडी वगैरह वगैरह, तो कहीं पे कंस्ट्रक्शन करना है, कहीं कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं है, कहीं कहीं तो फिगर सीधा आपको लग रहा है लेकिन आप अगर उसको उल्टा करके देखें तब आपको सॉल्यूशंस जल्दी मिलते हैं। और पता नहीं बहुत सारा मतलब होता है, कहीं पे इतना पोर्शन को ढक के देखे तब आपको जल्दी समझ में आएगा, मतलब उतना पोर्शन यूज ही नहीं होता है, जैसे कि कुछ कुछ रहता है। अब जैसे जैसे इसका सॉल्यूशंस वगैरह भी आएगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस तो आ ही जाएगा, बाकी जो आरएस अग्रवाल का चाहिए, आरडी शर्मा का चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशंस आ जाएगा पर एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। अब चलते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल। ट्राइंगल चीज क्या है भैया? ट्राइंगल एक ऐसा सामग्री है जिसमें आपका थ्री लाइन सेगमेंट का यूज होता है, यानी थ्री लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट थ्री पॉइंट का बना है, तू कहा जा रहा है या तीन लाइन सेगमेंट है ना, ए बी बी सी सी ए, तीन लाइन सेगमेंट है, तीन वर्टाइसेस है ए बी सी, और ये एक प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ये पूरा जो बोर्ड है या कुछ भी है क्या हमारा प्लेन है, प्लेन के ऊपर ये लाई करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के टाइप्स भी होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, इधर गया बॉस। ट्राइंगल्स के टाइप्स भी होते हैं हमारे, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स लिख रहे अभी, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। तो पहला जो आता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो नंबर वन प्रॉपर्टी है वो है ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल प्रॉपर्टीज वगैरह याद रखना, ठीक है। और ऑल एंगल्स आर इक्वल होता, ये तो आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं, इसका कॉन्ग्रुएंट का जब कॉन्ग्रुएंसी आने के बाद उसका भी प्रूफ देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एंगल्स आर, एंगल्स का सिंबल ठीक, ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि जैसे कि इसका एक फिगर मान लेते ए बी सी, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, और ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू, मतलब तीनों होगा और कितना होगा इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये होना ही है, ठीक है। सेकेंड जो आता है हमारा आइसोस्केलस, आइसोसेलस एस्केलस आइसोसेलस ट्रायंगल, इसका जो पहला प्रॉपर्टी है क्या है, पहला प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं, तो वो है टू साइड्स आर इक्वल, और सेकंड जो है बेस एंगल, बेस एंगल्स आर बेस एंगल्स आर इक्वल। अब बेस एंगल क्या है वो भी समझना है इधर, तो मतलब कि यहां पे हो गया आपका ये दोनों इक्वल होगा, इसको मान रहे डी ई एफ, ठीक है, ये दो साइड आपका इक्वल होगा। बेस बेस एंगल यहां पे होता है जो आपका अनइक्वल साइड हो ना, यहाँ अनइक्वल साइड कौन सा, नीचे वाला है ये है हमारा अनइक्वल साइड,
अनइक्वल साइड के ऊपर उसको बेस बोलेंगे, अनइक्वल साइड को बेस बोलेंगे, और उसके ऊपर जो एंगल लाइ करते हैं यानी ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल होता है। अब ऐसा भी होता बहुत जगह है कि आपका फिगर तो दिया है, ठीक है, कुछ इस टाइप का फिगर दिया है, इसमें आपका ये और ये इक्वल है, तो इसमें बेस एंगल बहुत जिनका कॉन्सेप्ट में होता है कि अगर आइसोसेलेस दिया है वो नहीं देखते, बस दिया कि बेस एंगल, मतलब कि ये और ये मान लेते उसको, तो वैसा नहीं करना है। अगर आपका आइसोसेलेस देकर स्पेशल दिया हुआ है तो उसमें जो आपका बेस एंगल होता है ना वो आपका अनइक्वल साइड पे होता है, यानी कि ये दोनों हो जाता है उसमें बेस एंगल, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये उधर का बेस एंगल। ये कंफ्यूजन बहुत बार होता है, हम बहुत जगह देखे, मेरा भी था एक टाइम पे। और एक और जो है हमारा तीसरा, तीसरा सबको पता है जिसका कोई किसी जिसका एक दूसरे से नाता ही नहीं है, कौन सा भैया, स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें होता नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर, ऑल साइड्स आर डिफरेंट भी लिख सकते हैं, आर इक्वल एंड मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसका एक फिगर देख लेते हैं हम। तो यानी कि इसमें हो गया, मान लेते ए बी सी ही नाम देते, क्या कह रहा है मेरा, इसका मेजर अलग, इसका मेजर अलग, इसका मेजर अलग होता, या वन डैश टू डैश थ्री डैश, उसका भी मतलब है कि ये एक दूसरे अलग है, और यहाँ पे ये और ये तीनों एंगल भी अलग होता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपका एंगल्स मैच होते हैं ना इसमें कोई साइड मैच होते हैं, इसमें सबका अलग ही फंडा होता है, मतलब सब अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हो गया, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देख लेते हैं, और एंगल्स वाले से जो अधिकतर जो है एमसीक्यूज वगैरह आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो इसमें जो हमारा पहला है वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है आपका, All angles of triangle is acute. अब acute angle क्या होता है ये हम आपने बताएंगे। Acute angle क्या होता है, 90 degree से कम और 0 degree से ज्यादा, मतलब कि 0.00001 degree से 89.9999 degree तक, ठीक है, acute angle। यानी कि जैसे कि इसका फिगर यहाँ पर बना देते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा इसका भी कुछ जैसे मान लेता मेजरमेंट लेता 50 डिग्री, इसका लेता 70 डिग्री, ठीक है, इनको लेता 60 डिग्री, ठीक है। ये होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, छोटा बन गया फिगर ज्यादा, थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है, 50 70 60, और भी दूसरा मेजरमेंट ले सकते, लेकिन उसमें जितना भी मेजरमेंट आएंगे सबका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। दूसरा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का एक एंगल होगा, यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर सिंबल पता है ना, ऐसे मतलब कोई भी अगर दो एंगल के बीच में परपेंडिकुलर हो तो उसके बीच में एक हाफ मतलब क्वाड्रेंट रहता है, स्क्वायर का एक क्वाड्रेंट, स्क्वायर का एक छोटा सा हिस्सा, या रेक्टेंगल बोल सकते हो, जो भी डी ई एफ कहीं से भी चालू कर दीजिए, बात बराबर।
इसमें क्या बोलते हैं, डी एफ को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, डी ई को बेस, एफ ई को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, आता है। तो एक चीज इसमें गौर करने का है कि एक्यूटेंगल ट्रायंगल में आपका स्कैलेन भी बन सकता है, इक्विलैटरल भी बन सकता है और स्कैलेन, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस तीनों बन सकता है। राइट एंगल में स्कैलेन बन सकता है और आइसोसेलेस बन सकता है, और आपका इक्विलैटरल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इक्विलैटरल का जो है, अगर आप उसमें आप अगर उसका मेजरमेंट पता 60 डिग्री होता, हर एंगल 60 डिग्री होने वाला है। अगर आप इक्विलैटरल बनाए हैं तो हर एंगल उसका 60 डिग्री होगा ही होगा। तो अगर इसमें एक एंगल राइट एंगल हो गया तो आप सोचिए कहां से, और राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, यानी कि इसमें हो गया डीएफ या एफ डी, कुछ भी बोल सकते हो दोनों से, तो ये जो है हमेशा बड़ा रहेगा, ना तो किसी का इक्वल होगा ना कुछ होगा इसमें, ये जो है हमेशा बड़ा होगा इन दोनों से, एफ से और डी से, बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होगा। तो इसलिए इसमें इक्विलैटरल तो आने का संभावना ही खत्म हो गया। ऐसे चलते ऑब्ट्यूस, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, तो होगा इसमें क्या, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, माने कि इसमें हो गया हमारा, इसका ब्लैक से बना दो स्केच, 110 डिग्री मान लेते, ई एफ जी एच आई, तो इसमें एक एंगल जो देख रहे हैं आप 110 डिग्री है ना, ये जो एंगल है हमारा ये कितना है 110 डिग्री, तो मतलब कि ये ऑब्ट्यूस है, और इसमें भी आपका आइसोसेलेस बन सकता है, स्केलन बन सकता है, इक्विलैटरल नहीं बन सकता है, और इक्विलैटरल जो है एंगल बेस्ड में बस एक्यूट एंगल वाला बन सकता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक फंडा, बेसिक चीज था। अब उसके बाद जो आता है वो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्या 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 बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ टीरा एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो है इसको आप एक ही तरीका से प्रूव कर सकते हैं, और भी है दो तरीका था, हमको याद नहीं आ रहा फिलहाल, तो एक ही तरीका याद आ रहा। उसमें आप मतलब वाइस वर्सा वाला चीज होता है वहां पे, अगर आप एक्सटीरियर एंगल वाला चीज जान गए तो इधर ये वाला बन जाएगा दूसरा तरीका से, अगर आपको तो समझ सकते हैं मतलब दोनों एक दूसरे पे है ऐसा, तो जो हम एक्स्ट्रा में जो मतलब कि बन सकता है इंडिपेंडेंट वाला वो बता रहे, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट इस पे लागू होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये होता है हमारा, कितना होता है हम लोग को पता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये चीज हम लोग को पता था, उसको हम लोग क्या करते हैं प्रूफ। तो बढ़िया से लिखिए, टू प्रूफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक मस्त वाला ट्रायंगल भी ड्रॉ कर देता हम लोग, यहाँ पे लेते हम लोग ए बी है से। अब हम लोग को एक चीज में पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज वगैरह यूज होने वाला, ठीक है, तो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, ओ इंटीरियर वाला, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर, खाली इंटीरियर नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब यहां पे लिखना सेकंड लाइन कंस्ट्रक्शन, इसको मान लेते हैं लोग डी, इसको मान लेते हैं लोग ई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में
उससे ऊपर यहाँ पे एक लाइन लिखेगा लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का एक नाम हो गया एबीसी, वो लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेगा, क्या बोलते उसको, कंस्ट्रक्टिंग डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, मतलब यहां पे डीई जो है एफ जैसा लग रहा है बस, डीई पैरेलल टू बीसी बना है, मतलब ये जो है ये दोनों पैरेलल है। तो अब यहां से क्या होगा, देयरफॉर अब लोग क्या क्या पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, यानी कि ये इक्वल टू ये हो जाएगा और ये इक्वल टू ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसको डबल कर देते हैं ना, डबल कोट में ठीक दिखता है, तो कंस्ट्रक्शन में भी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखे देयरफॉर एंगल बी, यानी यहाँ पूरा नाम लिखिए ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पे एंड एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, किससे भैया, सेम रूल लगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला। तो अगला उसके बाद देखते क्या करना है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं एंगल डी ए बी बी ए सी और ई ए सी, ठीक है, एक लाइन पे लाई कर रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन है वो, डीई क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ऊपर पॉइंट से जितना भी एंगल्स बनेगा उसका जो सम होगा, तो उसका क्या मतलब, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल ना, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, उसका भी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और उसको क्या बन जाएगा हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो मस्त से लिख दीजिए, इसको डाल दीजिएगा इक्वेशन वन, ठीक है, इसको डाल दीजिएगा इक्वेशन टू, ठीक है, बोर्ड छोटा है थोड़ा, मेरा भी मजबूती समझ लीजिएगा। अब उसके बाद जो है देयरफॉर क्या बचा हमारा, यहां पे हम लोग को स्ट्रेट लाइन वाला काम करना है ना, तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी, अरे कहाँ कहाँ कट करना, कहाँ रहता कहाँ रहता, बी ए सी प्लस एंगल ई ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होगा क्या, वही चीज लीजिएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे अब नीचे, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन वन टू दिया लेते हैं, क्यों डाल रहे थे उसका यूज अब यहाँ होने वाला है, तो देखते हैं हम लोग। तो एंगल डी ए बी किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी के, उसको लिख देते हैं, प्लस एंगल ये बी ए सी ही रहेगा, प्लस एंगल ई ए सी किसके इक्वल था, बी सी ए के इज इक्वल टू 180 डिग्री, कुछ छेड़खाड़ नहीं हुआ, वो जिसका इक्वल था उसको हम इक्वल कर लिए, ठीक है, ये इक्विलिट का पोस्टुलेट था कि इक्वल रिप्लेसेस इक्वल, मतलब वैसा था ना, था कि नहीं था, होगा ही। तो ये हो गया आपका फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ए बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड, ठीक है, हो गया आपका प्रूफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये चीज हो गया आपका प्रूफ। अब जो एक अल्टरनेट मेथड है ना इसका, वो अल्टरनेट मेथड
वो तुरंत से फटाक से बताते हैं, इतना आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह आप लिखेंगे नहीं, सब बताते जाएंगे, जो मेन चीज होगा उसको लिखते हैं। ए बी सी, यहां से आप मस्त करके एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक है, यहाँ पे एंड पॉइंट डी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता है क्या, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अभी तक आया नहीं, वो आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उसको पहले बता देते हैं। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसको लिख देते हैं, यहाँ पे अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी चल रहा मेरा इधर गया। अब आगे हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के लिए एक मस्त वाला फिगर इस तरह ड्रॉ कर देते हैं। ए बी सी डी, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो पहले लिख देते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ये जो है आपका डी बना वो, और इसको डाल देते हैं हम लोग ई पॉइंट। कंस्ट्रक्शन हो गया आपका सीई पैरेलल टू ए बी, ठीक है, सीई पैरेलल टू ए बी बन गया, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा एंगल ए, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएगा अपोजिट इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता थोड़े दूर। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई, किससे हो गया भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इसलिए वो। तो यहाँ पे अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो वो था हमारा, यहां से देखना कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये एंगल तो, ये एंगल, ये एंगल भी इक्वल होगा, ये होगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, वो देखते हैं कैसे होता। तो वापस हम समझाते हैं वाला चीज कि देखिए, अगर ये पैरेलल टू ए, ठीक है, इन फर्स्ट केस हम लोग क्या मानते हैं कि ए सी ट्रांसवर्सल था, हमारा ट्रांसवर्सल कौन था, ए सी था। तब अगर ए सी ट्रांसवर्सल था तो ये हमारा हो गया इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम लोग इस केस क्या मान रहे हैं, बी सी है हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है, दिमाग थोड़ा मतलब समझ रहे, भेजा फ्राई हो रहा होगा इसमें, बी सी ट्रांसवर्सल लिए हैं, पहले ए सी लिए थे तो लेना पड़ता है, है तो ले सकते हैं हम लोग, है दिया हुआ है तो लेने में क्या जा रहा है किसका, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा बीसी हो गया ट्रांसवर्सल। तो अगर बीसी ट्रांसवर्सल है तो उस केस में हमारा क्या, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ईसीडी corresponding angles, ठीक है, corresponding angles equal हो गया। तो अब हम लोग क्या देखना आ गया, अब यहाँ पे बस सिंपल इसको, अब हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या बना हमारा, ए सी डी एंगल ए सी डी, ये किसके इक्वल है, एंगल ए सी ई प्लस ई सी डी के इक्वल है एंगल। इसको वैसे कीजिए, इक्वेशन वन नाम ले लीजिए, इसको इक्वेशन टू नाम डाल दीजिए, बस इसका हमारा किसके इक्वल है, ए सी डी ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। अब क्या है, अब यहां पे एक चीज देखिए, ए सी ई हमारा इक्वल किसके था, बी ए सी का एंगल, बी ए सी का इक्वल था, प्लस ई सी डी किसका इक्वल था, ए बी सी का, ए बी सी का किससे लिए हम लोग, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है। तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ इन अपोजिट क्या है इसका, इसका अपोजिट में ये है, ये एडजेसेंट वाला जाता है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है इस इन, ये वाला एक्सटीरियर एंगल का, ये एडजेसेंट है, ये और ये जो है उसका अपोजिट है, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आ गया, इसको एक और तरीका से हम प्रूफ कर सकते हैं, वो देख लेते हैं अब। तो वो जो तरीका था हमारा, उसमें हम लोग को ना पैरेलल का जरूरत पड़ेगा, अरे फिगर किसलिए मिटा दी, मिटा दे, चल निकल इधर सब। वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, एक घंटा डेढ़ घंटा पहुंच जाएगा। ये ट्रायंगल्स का जो बेसिक था वो है, बेसिक जो एकदम बेस वाला चीज है ना ये है। फिर उसके बाद जो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पे उतरेंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी का तो ढाई क्वेश्चन खाली आएगा, उसमें पहले वो सब सीखने के बाद ना बताने के बाद आएगा। तो इसमें पहले देखिए करना क्या है आपका, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज में आओ, कुछ घंटा ना कंस्ट्रक्शन करना, कुछ नहीं करना, बस यहाँ लिखना है आपका बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी ए प्लस एंगल सी, वहां क्यों डाल दी, इधर डी डाल दें, इधर सी डालते हैं, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। इसको मान लेता हूं इक्वेशन वन, ठीक है। ये क्या हमारा इक्वेशन वन बन गया। अब क्वेश्चन टू क्या देखते हैं, एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये किस लिए, लीनियर पेयर बन रहा, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, बस दो जोड़ी ही आता ना पेयर जोड़ा, उस टाइम जो था प्योड़ा क्या बोले उसको, ट्रिपलेट था ना, एक दो तीन था, इसलिए वहां पर लीनियर पेयर नहीं लिख सकते। बहुत जन होता है कि तीन जहां रहता वहां पर पेयर लिख देता लीनियर पेयर, तो वो गलत होता है, ठीक है। हम देखे हैं, मेरा ही क्लास वाला बंदा लोग है, दो चार गो ऐसा महान शख्सियत, मजाक तो नहीं उड़ा रहा, जो सच था वो बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या मानते हैं, क्वेश्चन टू मान लेते हैं। अब एक यहाँ पे हम लोग देखें, ये भी 180 के इक्वल है, ये चीज भी 180 के इक्वल है ना। तो अगर 180 और 180 आपस में इक्वल हो तो ये चीज भी तो इक्वल होगा, है ना, मतलब कि ये चीज और ये चीज इक्वल होगा इक्वेशन वन एंड टू। अब यहाँ पे लिखते हैं From equation 1 and 2, angle A plus angle B plus angle C is equals to angle C plus angle ACD, है ना। तो यहां पर देखिए एंगल सी कॉमन है, काट डालते हैं, काट डालो सबको, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, यही चीज प्रूफ करना था। ये हो गया आपका सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, और ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, प्रूफ खत्म खत्म। अब वापस तो चलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी में, एक और खुदकते हैं हम, आपको दिखा रहे कि एक ही चीज इधर कितना तरीका से आप प्रूफ कर सकते हैं एक ही चीज को, ये दो तरीका और भी कोई तरीका होगा आगे। अब नाइन्थ तक तो हमको इतना ही पता चला, आगे में शायद हो सकता आप लोग को मन खुद से कुछ बना डाली। एंगल सम प्रॉपर्टी पे चलते वापस से, ठीक है। तो यहां पे जो हम लोग को यहां पे इसका पॉइंट का नाम लगा देते डी, तो हम लोग को पता है कि ए सी डी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। एंड यहां नाउ लिखेगा, नाउ एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए भैया लीनियर पेयर है, ठीक है। अब यहां पे एंगल सी और ये ए सी डी क्या था हमारा, एसीडी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी
इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहां से लिए हम लोग, फ्रॉम वन। तो देखा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यह देखिए इसका डिवीजन में थोड़ा समझ लीजिएगा कि जो शॉर्टकट मेथड हो गया ना, शॉर्टकट मेथड लगा देखने से, ये अगर आपका एक क्वेश्चन ये वाला सम एंगल प्रॉपर्टी वाला, इसका प्रूफ दो नंबर में मांगे, दो नंबर क्वेश्चन शीट के मुताबिक बता रहे हैं, दो नंबर पे मांगे तो ये वाला बनाइएगा, चार नंबर पे मांगे तो पहले वाला जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह था वो बनाइएगा। सेम केस वहां भी कीजिएगा एक्सटीरियर एंगल वाला पे, कि जहां चार नंबर वाला मांगे तो वहां पे कंस्ट्रक्शन वाला बना दीजिएगा, और जहां दो नंबर पे मांगे वहां इजी एंगल सम प्रॉपर्टी वाला जो हम लगा के बनाए थे वैसा बना रहने का, ठीक है, वो चीज में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो ये होता क्या है, चार नंबर की जगह पे सोचते छोटा है भैया चेप देते इसको, तो वो मतलब नंबर तो मिल जाएगा आपको, पूरा नंबर ही देगा, तो वो काट नहीं सकता उसमें नंबर ना। लेकिन टीचर को भी कभी कभी लगता ना उसमें कुछ कमी लग रहा है वगैरह वगैरह करके, मतलब कि कुछ आप बाई चांस कुछ लिखना वगैरह छोड़ दिए हैं, जैसे कि वैसा टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन गिवन और क्या क्या होता है ना, लेट इज द ट्राइंगल भी ये लाइन भी छोड़ देंगे ना, उसमें भी टीचर बोलेगा एक नंबर काट देंगे हम। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन वैसा चार नंबर बना देगा तो टीचर भी खुश, आपका पेपर भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। तो अब आगे क्या करना है, हो गया खत्म खत्म, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है और तो 15 मिनट टांग नहीं सकते ना। तो अब चलते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी पे, ट्राइंगल चल रहा है इसके अंदर अब जो है हम लोग कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस करने के जो है पांच होते हैं, पांच नियम होते हैं। पहला तो है हमारा जो सिंपल सबसे मेन जो माना जाता है एस ए एस, यही का यूज करके ही बाकी वगैरह आए थे, एस ए एस का यूज करके, उसका फुल फॉर्म याद होगा साइड एंगल साइड, ठीक ये होता है, ये अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। पहले से कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जो होता है कि जो चीज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, जैसे कि हमारा हाथ जो होता है जब जोड़ेंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा, ठीक है, देख सकते हो पूरी तरीके से ढक लेता, तो वो क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब पेज पेजेस जो होते हैं एक कॉपी का, एक इसके एक ही कॉपी का वो जो पेजेस है वो क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट है। आप कॉपी पूरा ले सकते हैं, सेम कंपनी का सेम साइज का कॉपी लीजिए, जैसे नंबर दो का तो दूसरे नंबर दो का लीजिए, और सेम कंपनी का, ठीक है, सेम ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड अलग नहीं करना चाहिए ना, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जैसे आप फोन ही ले लीजिए, तो जैसे कि आपका पास कोई भी कोई वो क्या सैमसंग ड्यूज ना, क्या जो भी आपके पास कोई भी फोन है, अगर आप सेम ब्रांड का फोन लेते हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे कि आपका फिर हो गया और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसी सेम साइज का बोर्ड आप लीजिए तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, और भी बहुत कुछ आता है, मार्कर्स आगे ही मार्कर्स वगैरह तो ढकेगा नहीं, मतलब जो भी एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले, मतलब एक हिस्सा भी मतलब लगना नहीं चाहिए कि अलग है दोनों, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं तो आपको लग रहा है कि दूसरा हथेली भी है पीछे, ठीक है, ऐसे अगर आपको पूरा फ्लैट दिखाया तो लगेगा नहीं, तो वैसा होना चाहिए वो चीज, ठीक है। तो अब इसमें जो बेसिक जो होता है पांच रूल्स के बनता है, एक होता है आपका एस ए एस साइड एंगल साइड से, तो साइड एंगल साइड का जो फंडा है वो समझ ही सकता है, साइड दो को साइड के बीच में एगो एंगल, तो यानी कि जैसे कि आपका एक कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, एक ने दो ट्राइंगल दिया हुआ, डी ई एफ सर एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है दो साइड के बीच का एक एंगल बोला गया ना, तो कोई भी दो साइड उसका बीच का एक एंगल, यहाँ पे कोई भी दो साइड उसका बीच का एक एंगल, ऐसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, मतलब कि ये चीज सिमिलर होना चाहिए। तो इसमें हम देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा बोलेंगे, इसमें अभी कॉरस्पॉन्डिंग वाला चीज नहीं गया, यहाँ पे एंगल ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड, ठीक है, इसको हम डबल डबल डैश कर देते हैं,
मतलब यहाँ पे देखिए ये दो साइड मैच कर गया, ये साइड मैच कर गया, ये दोनों एंगल मैच कर गया, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी। अगर आप इसको कुछ इस टाइप से घुमा के रखिएगा तो ये उसके ऊपर फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी लिखने का भी एक तरीका होता है, मेन इम्पोर्टेंट तरीका इसका लिखने का भी होता है। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पे देखिए हम इसलिए वैसा किए कि हम यहाँ के जगह वहां पे किए हैं। आप इसको अगर आप ऐसे लिखेगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये जो है ये आपका गलत है, ये है ही नहीं सर। ये जो आप लिख रहे हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, इसका मतलब हो गया आपका कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। ये तो हमको पता नहीं था, ठीक है भैया, जो हमको पता है वो चीज मैच कर लेता है। एंगल भी एंगल एफ के इक्वल है क्या? यहाँ पे एंगल भी यहाँ है, एंगल ई है यहाँ पे, एंगल एफ है नहीं, मतलब जिस पोजीशन पर एंगल बी है उसी पोजीशन पर एंगल एफ भी होना चाहिए, तब वो आपका जो शो करता है कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे जो है वो चीज शो नहीं हो रहा है, तो उसको लिखने का सही तरीका, तो आपको तीन चीज पता है, एंगल बी एंगल ई सॉरी एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों को सेम प्लेस में रखे, और क्या क्या पता हमको, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। तो एक काम करते हम लोग, जो हमारा लाइन सेगमेंट है ना हमेशा उसको लेकर चले, अब हमेशा करेक्ट रहता है ज्यादातर, ए बी बचा क्या हमारा सी कॉन्ग्रुएंट टू, हम इसको सीधा सीधा लिख दिए, उतना हम माथा लगा ही नहीं, अब जो माथा लगाना हम यहां लगा लेते हैं। तो ए बी है ना, ए बी का कॉन्ग्रुएंट क्या है हमारा डी एफ, तो डी एफ को पहले लिख देते हैं ट्राइंगल डी एफ, बचा क्या ई। अब एक बार मैच कर लीजिए, बी किसके कॉन्ग्रुएंट था, एफ के कॉन्ग्रुएंट था, था ए बी किसका कॉन्ग्रुएंट था, डी एफ का कॉन्ग्रुएंट था, एफ ठीक है ई नहीं है, डी एफ के कॉन्ग्रुएंट था, और जो हमारा सी किसके कॉन्ग्रुएंट था, सी सॉरी बी सी बी सी बी सी बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट था, एफ ई के कॉन्ग्रुएंट था या ई एफ के कॉन्ग्रुएंट था, जो भी बोल सकते हैं। अब बी के मुताबिक तो एफ है ना, यहाँ पे बी के लिए एफ है ना, वही ना यार, इसलिए बी सी इज इक्वल टू एफ ई, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहां से आप क्या क्या पता कर सकते हैं, यहां से आपको क्या पता चला, जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिए इसके बाद हमको क्या क्या पता चला, आप एक बार गौर कीजिए, अगर आप इसको इसका ऊपर चढ़ा दे पूरा, ठीक है, ये दोनों आप एक पेपर पे मतलब कट किए हैं, उसको निबलिंग करके चढ़ा दिए इसके ऊपर, तो आपको वहां से क्या क्या मिलेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, होगा ना, तब ना वो एंगल ए एंगल डी ए डी को कवर कर रहा, यहाँ पे सिर्फ वही पता चल रहा ना, ए डी को कवर कर दिया, तो मतलब एंगल ए होगा इक्वल, और क्या पता चलेगा, एंगल सी एंगल ई को कवर कर दे रहा है ना, तो ये दोनों का भी एंगल इक्वल होगा, और जो हमारा थर्ड साइड था ए सी ये डी ई को कवर कर दे रहा ना, जब हम इसको ऐसे रख दिए, तो यहाँ पे ये वाला जो हो गया हिस्सा, ये वाला ठीक है, ये हिस्सा भी एक दूसरे को कवर कर रहा, मतलब ये दोनों का भी मेजरमेंट सेम हुआ था ना कवर कर रहा, तो ये चीज भी कवर अप हो जाता। तो जिस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप अगर लास्ट में लिखेगा ना कि एंगल ए, आपको कहीं कहीं प्रूफ वगैरह में रहता तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी प्रूफ करना, तो आप अगर प्रूफ कर दिए तो किससे प्रूफ किए, यहां से आप इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो कर दिए, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी जो आप किए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सी पी सी टी, इसका रूल का शॉर्ट फॉर्म, इसका जो फुल फॉर्म वो होता है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये बोलता है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये तो अभी पहला वाला था, इसमें बहुत कुछ बताना था इसे बता दिए, और ये जो हमारा पहला, इसी के बाद जो है हमारा इसका यूज करके आपका एस 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 रूल आया गया, ए ए एस रूल लाया गया, ए एस ए रूल लाया गया, आर एच एस रूल भी लाया गया था, मतलब जो पहला इसको जो है इसको आप समझ सकते हैं कि होता ना एजम्पशन, एजम्पशन के तौर पे इसको मारा गया था, उसके बाद बाकी इसके थ्रू आया था। ठीक है, अब आगे चलते हम लोग, एस ए एस हो गया ना, अब जस्ट इसका उल्टा देख लेते हैं, ए एस ए ऐसे एंगल साइड एंगल, तो इसमें क्या होता है हमारा
जैसे दो ट्रायंगल ए एफ बी सी बी ई एफ इसमें गिवन क्या क्या है एंगल साइड एंगल दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड ऐसा नहीं कि ये एंगल है और ये साइड दिया तो वो ए एफ से नहीं होता है वो दूसरा रूप से होता है ठीक है। और जो आपका एक और जो होता है मेन दिक्कत है जो एस ए एस होता है ना एस ए एस में और ये वाला छोड़िए इसको भी दिमाग निकल थोड़ा देखिए आपको एक एस ए एस वाला कहानी सुना एक एस ए एस वाला हमको अभी याद आया तो अभी हम बता देते उसमें बहुत सारा मतलब गलती होता है हमेशा वहां पे थिंकिंग जो होता है थोड़ा गलत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एबीसी हुआ ना तो होता क्या है कि आपको कभी कभार दिया रहता है ए एस सॉरी एस ए एस वाला में साइड आपको ये साइड गिवन है ये साइड गिवन है और बोला है कि ये वाला एंगल इक्वल है ठीक है। और इसमें भी सेम वैसे कंडीशन ये साइड इक्वल है ये साइड इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है ठीक है। ऐसा कंडीशन में होता है क्या बहुत दिन सोचता है कि हाँ ये एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया लेकिन ये चीज गलत है ये कोई तरीका से कॉन्ग्रुएंट नहीं है ठीक है। आपको प्रूफ चाहिए तो आप क्या कीजिए दो को हिस्सा लीजिए पेपर का कट कर दिए चढ़ा के देख लीजिए वैसा नहीं है अब आप मेजर करके काटेगा तो बात अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे कि क्या बोलेंगे यहाँ का अपर का ऊपर का एंगल तो मतलब फिक्स नहीं हुआ ना और जो है ये वाला साइड जो है हम और भी लंबा एक्सटेंड कर सकते थे मतलब कि कुछ इस टाइप से हो सकता था ये जो चीज हम जस्ट बनाए ना इसको हम कुछ अलग साइड से बनाते हैं मतलब कि यही चीज हम बनाएंगे सेम मतलब मेजरमेंट रहेगा लगभग अब उंगली से कितना सही करेंगे हम सेम मेजरमेंट ठीक है। उरे ब्लैक मार्कर की खराबी यही है मिटाने पे तो काला कर देता है ठीक है लगभग सेम ही बना तो अब ये उसका ऊपर बैठ सकता है बैठेगा नहीं बैठेगा ना कवर तो नहीं करेगा यही होता है इसलिए वो वाला एग्जांपल छोटा देखिए ये वाला एग्जांपल अचानक से भेजा में आ गया था ये एक बार हम किए थे उसके बाद हमको अच्छा सा नंबर मतलब कटा था मेरा एग्जाम से हम एक बार ऐसे ही कर दिए थे उसे लगाना कुछ और तो हम लगा दिए कुछ और गया मेरा मार्क्स वैसे वो भी हो सकता है कुछ सम कंडीशंस उस पे लागू करना पड़ता है ठीक है। तो अब उसको छोड़कर तो ए एस ए वाला चीज देखते हैं तो यहाँ पे एंगल एंगल उसके बीच का साइड एंगल एंगल उसके बीच का साइड वो हो गया आपका ए एस ए सी यहाँ पे ये वाला एंगल इसको कवर कर देगा ये एंगल इसको कवर कर देगा ये साइड इसको कवर कर देगा। अब यहाँ भेजा में दिमाग में एक वो बात आता है कि ऐसा क्यों 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 तो यहाँ पे जो होता है ना आपका कि आपका एक बेस इक्वल हो जाता ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि ये एंगल गिवन है ठीक है ये एंगल और वो वाला एंगल आपके पास है तो आप थर्ड एंगल भी निकाल सकते हैं वैसे तो आपका हो गया तीनों एंगल इक्वल हो गया है ना तीनों एंगल इक्वल हो गया आपका हो गया। जब आपका तीनों एंगल इक्वल हो गया और आपका एक साइड भी इक्वल है उसमें तीनों एंगल मतलब अलग अलग से एक साइड भी साथ में इक्वल है तो अगर थोड़ा हाई लेवल चला जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं इसको हम आपको बाद में विस्तार से बताते हैं और अभी कुछ लंबा भी जा रहा है ये लेक्चर तो उसको भी छोड़ देते ना सस्पेंस इसको रिसर्च करना तो कर सकता है आपको आर डी शर्मा में मिल जाएगा आर डी शर्मा में ठीक है। अब जो थर्ड आता है हमारा वह है हमारा थर्ड जो है वो है हमारा ए ए एस एंगल एंगल
साइट। तो इसमें जो तो AAS जो हमारा थर्ड रूल है, तो AAS में है क्या हमारा वो देखते हैं। DEF ठीक है, ए बी सी और DEF हमारा दो ट्राइंगल्स है। तो इसमें जो है हमारा ये एंगल दिया इक्वल, ठीक है, ये एंगल दिया इक्वल, जो थर्ड एंगल है ये हमारा इक्वल दिया है, ठीक है। तो इस केस में आपका कौन सा चीज लगेगा, AAS एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड जो है हमारा इस कंडीशन में लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पे एंगल एंगल साइड। और इसमें भी एक और कंडीशन याद रखे दिमाग में कि अगर ये चीज आपका यहाँ पे यहाँ ना होके यहाँ दिया होता तो वो गलत होता, वो आपका कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपका ये जो चीज है ना, ये दोनों चीज कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए कि ये दोनों जो हमारा एक जो एंगल जिसके एंगल के बगल में ना, जिस इक्वल एंगल के बगल में है, जस्ट दूसरे ट्राइंगल में भी उसी इक्वल एंगल के बगल में, मतलब जस्ट उसी इक्वल एंगल के जो होगा ना नीचे सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जिसके ऊपर होगा साइड यानी ट्राइंगल का साइड, वो दोनों भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये चीज दिमाग रखने का। जो चौथा है वो है हमारा SSS यानी SSS, ठीक है, साइड साइड साइड, ठीक है। तो इसमें है आपका सिंपल जो है तीनों तीनों साइड इक्वल रहेगा, ये थ्री ये फोर ये फाइव, यहाँ पे ये थ्री ये फाइव ये फोर, तो ये आपका बैठ ही जाएगा, आप इसको घुमा के जैसे जैसे बैठ ही जाता है, क्योंकि देखिए आपका फोर फोर मतलब ये थोड़ा आपका इस टाइप से घूम के लगेगा, कैसा बोलेंगे इसको, थोड़ा उल्टा करके फिर घुमा के, मतलब फिट होने वाला ये, आप इसको कर सकते हैं फिट। ये आपको बस तीनों साइड इक्वल होना चाहिए कोई भी तरीके से, कहीं से भी तीनों साइड बस इक्वल हो गया, आप SSS लगाइए, साइड राइट साइड लगाइए, हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यानी कि आप इसको कुछ घुमाइएगा, इसको नीचे ये चल जाएगा आपका ऊपर, ये उधर ही रखना ना, इसको कुछ ऐसे कर देना, मतलब जस्ट इसको यहां से इसको एक्सेस रख के इसको नीचे कर देना, हो जाएगा। तो इस दोनों पॉइंट को इंटरचेंज कर दीजिए, ये चीज तो यहाँ चल जाएगा, ये चीज तो यहाँ चल जाएगा, यहाँ लगा दीजिए बैठ गया, या फिर इसमें कीजिए बैठ जाएगा। और चौथा चीज है माय पर्सनल फेवरेट RHS, जिसमें आधा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है, फुल फॉर्म राइट, राइट यानी राइट नहीं, राइट यानी राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल के लिए यहां पर राइट का यूज किया गया, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, यानी कि आपका दो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ ए बी बी सी है ना, डी ई एफ, ठीक है। इसमें जो है आपका ये जो है राइट एंगल, अब दोनों में राइट एंगल है यानी दो 90 degree है, तो इसको तो समझ ही सकते हैं, ये और ये इक्वल है हमारा, कौन चिल्ला, अरे चिल्ला मत, बोल रहे हैं शांत रहे, बाद में बताना फोन में, अभी रख, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस हमारा इक्वल है AC और FE, उस पर ध्यान न दे, वो जो भी हुआ था होने दीजिए, ठीक है। वापस से बताते हैं, एंगल बी एंगल डी इक्वल है 90 degree है, AC FE ये दोनों इक्वल है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब जो है और थर्ड साइड को भी एक दूसरा तीसरा साइड हमारा कोई भी एक साइड मान सकते, ये भी यहाँ पे तो ये दोनों होगा नहीं, देख तो ये दोनों को मान लेते, ठीक है, ये इक्वल है, तो ये है आपका RHS कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर आपको राइट हाइपोटेन्यूस साइड ले रहे हैं ना, अगर आपके पास हाइपोटेन्यूस एक साइड है ना, और अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल का है, तो आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से,
निकाल सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप थर्ड साइड निकाल दे तो आपका एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में जो है आपको अगला वीडियो जो मिलेगा उसमें आइसोसेलस ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह रहते हैं कि कब उसमें क्या क्या कंडीशंस होने से आपको किस टाइप्स के मतलब क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें जो है आपका आइसोसेलस प्रूफ करने मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि।